कल से देश में नवरात्रों का पर्व शुरू हो जाएगा, जिसे देखते हुए बाजार पूरी तरह से सज गए हैं। इसके अलावा मंदिरों में भी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। मंदिर कमेटी सदस्यों की ओर से मंदिरों को रंगीन झालरों आदि से सजाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं अब दुकानदारों के चेहरे पर भी एक बार फिर से रौनक लौट आई है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के चलते पूजा सामग्रियों के दामों में बढ़ोतरी जरूर हुई है, परंतु लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं देखी जा रही। लोग आ रहे जा रहे बड़ी अच्छी भावना के नाल आ रहे, वो कोरोना कराने नाल जमीन समान का फर्क पै गया। पहले लोग डरते ही, लेकिन हूँ बहुत फर्क है। लोग खुले दिल माँ के अगर आ रहे, दरबार आ रहे, मत्था टेक रहे, कहते माँ इस बीमारी दूर करो। ना ना कोई महंगा नहीं, कोई इन्ना फर्क कोई नहीं है। भी रुपये पैसा दो पैसे मतलब ऐसी कोई गल नहीं, बिल्कुल ठीक सोलह नहीं। वो गाहक आता पाया, गाहक बड़ा खुश हैगा कि शुक्र है समान लगता कि इस घड़ी तो। ये जो कोरोना वायरस हुआ ना, इसके कारण थोड़ा जो पब्लिक वगैरह है वो थोड़ी कम आई है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। नारियल वगैरह जो हम सामान बेचते हैं, ये सब थोड़ा फर्क पड़ा है, महंगा सामान आ रहा है, ग्राहक की इतनी ज़्यादा नहीं, उससे कोरोना वायरस में काफ़ी फर्क पड़ा है। श्रद्धा तो आस्था लोगों में काफ़ी है, ऐसी नहीं है कि जो थोड़ा लोग अवॉइड कर रहे हैं थोड़ा मार्केट में ना, अपने आप सेफ्टी भी देख रहे हैं लोग। हम तो यही चाहते हैं कि माता रानी से दुआ करते हैं सब ठीक ठाक रहे। हमारे यहाँ तो नवरात्रि में ज़्यादा ये मंदिर में नारियल वगैरह लगते हैं और ये फूल वगैरह का मंदिर में चढ़ते हैं। प्रसाद वगैरह तो अभी दे नहीं रहे अंदर से, तो यही चीज मंदिर में जो वही अर्पण करते हैं। वहीं दूसरी ओर पूजा सामग्री खरीदने आए लोगों ने कहा कि इन नवरात्रों में वह घरों में रहकर ही पूजा अर्चना करेंगे और इन नवरात्रों में यही कामना करेंगे कि माता रानी जल्दी इस बीमारी को खत्म करे। कि कल से नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो उसके लिए जय माता दी सब भक्तों को। और सरकार ने ये सारा खोल दिया है, कोरोना जो हमारे ये बहुत बड़ी महामारी जो फैल चुकी है, तो सरकार ने सारा ओपन कर दिया है। लेकिन हम सबको खुद ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें जो हैं सोशल डिस्टेंस बना के रखें। हम घरों में बैठकर अगर माता की आराधना करें तो वो सबसे बढ़िया है। हमारी जो सेकेंड वेव कहते हैं कि वो आ सकती है, तो मेरी सबसे सब जनता से अनुरोध है कि वो सब ये बाहर ना घरों से ज़्यादा निकलें, लेकिन सोशल डिस्टेंस रखते हुए माता के मंदिर जाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, चीज़ों को ज़्यादा टच ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब भक्तजन जो हैं वो माता के नवरात्रे मनाते हुए कोरोना महामारी को दूर भगाएं। और माता रानी से भी मेरी ये प्रार्थना है कि वो ये अब नवरात्रों में ये महामारी बिल्कुल संसार से मुक्त कर दे, संसार को इस महामारी से। धन्यवाद। वहीं जब इस बारे में मंदिर कमेटी के सदस्यों से बात की तो उन्होंने कहा कि नवरात्रों के उत्सव पर मंदिर को सजाने का कार्य पूरा हो गया है और कल से मंदिर में पाठ पूजा और आरती शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वह मास्क पहनकर ही मंदिर आए। जिस तरह सारे शहर वासियों को पता है, महादेव भक्तों को खास तौर पे कि कल शरद शुरू हो रहे हैं, मंदिर कमेटी वालों मंदिर प्रांगण के रोज़ शाम को 7 बजे तो लैके 8 बजे तक आरती की जाएगी और ये दुर्गा स्तुति का पाठ किया जाएगा। मैं शहर वासियों की बेनती करना कि मंदिर आओ, महारानी का पाठ करो और महारानी का आशीर्वाद प्राप्त करो। मगर एक खास बेनती हाथ जोड़ के बार बार यही है कि मास्क पहन के आना और थोड़ी सोशल डिस्टेंस बना के रखना, ताकि कोई इतराज ना करे कि मंदिर से जिन्हें भीड़ करके ने देखो की किया। मैं बेनती करांगा कल तो मंदिर आओ और माँ का पाठ करो, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। पठानकोट से नीरज ठाकुर की रिपोर्ट।